हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 5 बजे और 8 बजे दो इतने इंपॉर्टेंट सेशन होते हैं जिसके अंदर हम लोग कई सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज है 7th of September और सुबह के 5 बज चुके हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों टाइम यहाँ पे, तो हम लोग कवर करने वाले हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। देखते हैं दोस्तों कैसे कैसे क्वेश्चन हैं जो कि पेपर में बन सकते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को मालूम है आज है 7th of September, ठीक है। 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाया गया। पहली बार इसकी शुरुआत दोस्तों कब करी गई, 2012 के अंदर। तो आपका आंसर है जो कि आ चुका है। नेक्स्ट आपको मालूम है किसके बारे में बात करेंगे, 2012 में इसकी शुरुआत करी गई 5 सितंबर को। एक्चुअली में इस दिन हुआ क्या था, डेथ एनिवर्सरी ये जो है मदर टेरेसा की, इसको माना जाता है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों ये इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी है जो कि शुरुआत करी गई। साथ में अगर आपको इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको BHU 10 या फिर BHU 10 आपको यूज़ करना है, जिससे आपको 10% ऑफ है जो कि आपको मिल जाएगा। आप SSC, बैंक, UPSC, PCS, डिफेंस, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी है जो कि कर सकते हैं। आपको सारे टॉप एजुकेटर की क्लासेस मिल जाएगी। आपको ऐप डाउनलोड करनी है, मोबाइल नंबर डालना है, गोल सेलेक्ट करना है आपका, SSC, UPSC, IIT, GATE, CDS, जो भी आपका है गोल, प्लस में जाइए या सब्सक्रिप्शन में 12 या 24 महीने में, और नीचे की तरफ आपको BHU 10 है जो कि आपको लगाना है, ठीक है। आप EMI के माध्यम से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। डेली सुबह 10 बजे दोस्तों अनअकैडमी की स्पेशल क्लास भी आती है, ठीक है। डेली सुबह आज भी दोस्तों 10 बजे है, ज्वाइन कर लेना, काफ़ी कुछ सीखने वाले हो। क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग गवर्नर जनरल के। पहला सवाल, मनसुख मंडाविया जी ने इतावली प्रेसिडेंसी द्वारा आयोजित G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भाग लिया, बैठक का विषय क्या था। मनसुख मंडाविया जी मालूम है ना, ठीक है गाइस, हेल्थ मिनिस्टर है हमारे। G20 की मीटिंग हुई, उसके अंदर दोस्तों इटालियन ने इसको होस्ट किया, और थीम जो रखी गई है ना वो पीपल प्लैनेट एंड प्रोस्पेरिटी है जो कि रखी गई है। तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पे एक्चुअली में जो डिस्कशन हुआ है वो किसके बारे में, G20 में हेल्थ के बारे में डिस्कशन हुआ, इसलिए हेल्थ मिनिस्टर है जो कि मिले थे, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा कोविड का ही है। इटली की बात करें, सर्जियो दोस्तों प्रेसिडेंट है, रोम कैपिटल, करेंसी यहाँ पे यूरो है जो कि चलती है। आप ये सारे के सारे दोस्तों आप देख सकते हैं, G20 के कंट्रीज के मेंबर भी हैं, ये देख सकते हो। केंद्र सरकार ने PM किसान सम्मान निधि के तहत कितनी राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित की है। किसानों के बैंक खातों में जो स्थानांतरित करी गई है वो 1.5 लाख करोड़ रुपए है जो कि दोस्तों बताया गया है। आपको मालूम है 2-3 इंस्टॉलमेंट में 6,000 रुपए है जो कि किसान के खाते में आते हैं दोस्तों, पर एनम मिनिमम इनकम सपोर्ट के माध्यम से। तो प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि इनिशिएटिव है जो कि इसको कहते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में 17 संकाय सदस्यों को AICTE विश्ववर्या बेस्ट टीचर अवार्ड जो है 17 फैकल्टी को दिया है नई दिल्ली के अंदर, ठीक है गाइस। तो बेस्ट फैकल्टी का अवार्ड मैनेजमेंट एजुकेशन में किसको मिला है, धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा जो कि एजुकेशन मिनिस्टर, उनके द्वारा दोस्तों बेस्ट टीचर अवार्ड जो है वो 17 फैकल्टी मेंबर को दिए गए। बेस्ट मैनेजमेंट एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे प्रीतम सिंह है जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है गाइस। 1945 में AICTE का फॉर्मेशन हुआ, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बोलते हैं इसको। अनिल सहस्त्रबुद्धे दोस्तों इसके चेयरपर्सन है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। केशव देसी राजू जिनका 66 वर्ष में आयु में निधन हो गया, पूर्व कौन थे। केशव देसी राजू के बारे में आपको बताना है, ये दोस्तों पहले जो है हमारे सेक्रेटरी हुआ करते थे, कौन से, हेल्थ सेक्रेटरी हुआ करते थे, जिनका रिसेंटली निधन हो गया है। ओके, IAS ऑफिसर थे, यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी है जो कि रहा करते थे। इनकी किताब भी लिखी गई है दोस्तों, कानेटी सिंगर के ऊपर है ना, सुभा लक्ष्मी के ऊपर इन्होंने बनाई थी, द लाइफ एंड द आर्ट ऑफ MS सुभा लक्ष्मी। काफी फेवरेट, बड़े फैन थे ये इनके सिंगिंग के। किस देश के सूचना और प्रसारण मंत्री दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक मीडिया सेंटर का उद्घाटन करेंगे। कौन से देश के दोस्तों ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है जो कि आ रहे हैं हमारे यहाँ पे एक मीडिया सेंटर का क्लब हाउस में, प्रेस हाउस में इनॉग्रेशन करेंगे। यह है दोस्तों आपका बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है वो दोस्तों इंडिया के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। बांग्लादेश की बात करें, अब्दुल हमीद प्रेजेंट है, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, कैपिटल ढाका, करेंसी टका है।
हाल ही में कोलकाता में विवेकानंद थुब भारती किंगरन में डुरंड कप के किस संस्करण की शुरुआत हुई? डुरंड कप के बारे में दोस्तों आपको बताना है, इसकी शुरुआत है जो कि रिसेंटली करी गई। आपको मालूम है डुरंड कप जो है फुटबॉल का बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और इसका 130वां एडिशन है जो कि करवाया गया है, 130 एडिशन है जो कि करवाया गया है। 16 एडिशन है टीमें जो है इसमें खेलने वाली है। ओल्डेस्ट क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट है जो कि एशिया का माना जाता है और आज हमारी टीम जो है वो अच्छी नहीं है फुटबॉल की, ठीक है। 1888 से इसकी शुरुआत करी गई। जगदीप जी गवर्नर है वेस्ट बंगाल के, ममता जी सीएम है, कैपिटल कोलकाता है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने निम्नलिखित में से किस शहर में नवीनतम उन्नत आधुनिक डॉपलर मौसम रडार का उद्घाटन किया है? डॉपलर वेदर रडार, ठीक है गाइस, आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहां पे जम्मू, ठीक है। तो जम्मू में दोस्तों जितेंद्र सिंह जी ने इनॉग्रेट किया लेटेस्ट अपग्रेडेड स्टेट ऑफ द आर्ट डॉपलर वेदर रडार, ओके गाइज। चलिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया है यहाँ पे। जीपीएस बेस्ड पायलट दोस्तों यहाँ पे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा इनके द्वारा किया गया। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने दोस्तों फाइनल अप्रूवल मिल गया आईआरडीआई के माध्यम से कि वो अक्वायर करने वाला है एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को। कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसको एक्विजिशन हो रहा है दोस्तों? भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसका अधिग्रहण आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के द्वारा किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है, पेपर में आ सकता है, ठीक है गाइज। और आईआरडीआई जो है वो अपना रेगुलेटरी अथॉरिटी इंश्योरेंस का 99 में फॉर्मेशन हुआ, सुभाष चंद्रा जी चेयरपर्सन और हेडक्वार्टर हैदराबाद के अंदर है, ओके। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाल ही में किसे कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है जो कि नियुक्त किया है? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करें, ओके गाइस, तो आंसर हो जाएगा आपका रानी रामपाल और स्मृति मंडाना। इन दोनों को दोस्तों ब्रांड इनके द्वारा इन दोनों को क्या बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर है जो कि बनाया गया 5वीं एनिवर्सरी के ऊपर, ओके गाइस। यंगेस्ट प्लेयर है नेशनल टीम में पार्टिसिपेट करने वाले रानी रामपाल, इंडियन हॉकी कैप्टन भी है और साथ में स्मृति मंडाना क्रिकेटर है जो कि इंडियन नेशनल टीम में खेलती है, ओके। इक्विटास की बात करें 2016 में स्टार्ट हुआ, वो वासुदेवन जी अभी एमडी और सीईओ है, हेडक्वार्टर इसका चेन्नई के अंदर है। सीईसीआई के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एसईसीआई के बारे में आपको बताना है। एसईसीआई भारतीय सौर ऊर्जा निगम के बारे में बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा सुमन शर्मा, ठीक है गाइस। तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसके हेड अभी किसको? सुमन शर्मा को बनाया गया। 2011 में शुरुआत हुई, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में दोस्तों ये मंत्रालय आता है, ये डिपार्टमेंट आता है। महाराष्ट्र ने डैश में राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। तो साइंस सिटी राजीव गांधी के नाम पर दोस्तों पुणे में है जो कि रखी जा रही है। एक तरफ नाम हटाए जा रहे हैं, एक तरफ लगाए जा रहे हैं, बच्चों के लिए करंट अफेयर जो है वो तैयार होता जा रहा है, इनके आपस में जो है गुत्तम गुत्ता में हमारे लिए करंट अफेयर बढ़ जाता है, कोई लेना देना है नहीं, वाली बात है। चलिए ठीक है गाइस, सबसे बेस्ट पता है क्या है कि हर राज्य के हर चीज का जो जगह का नाम है ना वो उस जगह के नाम पे होना चाहिए रे यार, वरना क्या है? इन लोगों ने जो है आसमान, बादल, पानी, लोग, हमारे पुराने लीडर सबको बांट दिया इन्होंने, पॉलिटिशियन ने कुछ भी इन्होंने जो है वो नहीं छोड़ा, भगवान को भी बांट दिया इन्होंने। चलिए, महाराष्ट्र कैबिनेट ने दोस्तों अप्रूवल दे दिया है साइंस इन्वेंशन सेंटर का पुणे के अंदर। राजीव गांधी साइंस इन्वेंशन सेंटर है जो कि इसका नाम सिटी है जो कि इसका नाम रखा जाएगा। भगत सिंह जी गवर्नर है, ठीक है गाइस। यहाँ पे जो है 190 करोड़ में इसको बनाया जाएगा। कनाडा के निम्नलिखित में से किस शहर में हाल ही में 5 सितंबर को गौरी लंकेश दिवस के रूप में घोषित किया गया है? गौरी लंकेश को हमारे देश में तो दोस्तों कोई ज़्यादा नहीं पूछा लोगों ने, ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे दोस्तों दूसरे देश ने जो है गौरी लंकेश को ज़रूर पूछा और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके, बर्न बॉय नाम की एक जगह है वहाँ पे दोस्तों गौरी लंकेश डे है जो कि सेलिब्रेट किया गया है। जर्नलिस्ट थी दोस्तों, एक्टिविस्ट थी जिनकी रोक घर के बाहर ही 4 साल पहले हत्या है जो कि कर दी गई थी, ओके गाइज। तो ये बर्न बॉय क्या है, सिटी है ब्रिटिश कोलंबिया की, वहाँ के मेयर है, उन्होंने दोस्तों ये 30 अगस्त को मनाया है। जस्टिन ट्रूडो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, डॉलर करेंसी है, कैपिटल ओटावा है। भारत ने टोक्यो ओलंपिक खेलों को अब तक के सबसे बड़े कितने पदकों के साथ में समेटा है? टोटल दोस्तों जो हमारे यहाँ पे मेडल आए 19 मेडल है जो कि हमारे इस बार ओलंपिक में देखने को मिले, 24वीं पोजीशन देखने को मिली, 8 दोस्तों मेडल एथलेटिक्स में, 5 शूटिंग में, 4 बैडमिंटन में हमने जीते हैं,
इससे पहले 68 से लेकर 2016 तक हमने मिलाकर 12 मेडल ही जीत पाए। चाइना दोस्तों नंबर वन पे है। ठीक है गाइस, तो ये था आज का आपका सेशन। BHU 10 या बुनेस्टर लगाना ना भूलें। अन अकेडमी पे किसी भी एग्जाम के प्लस कोर्स के लिए डाउनलोड करके मोबाइल नंबर डालना है, आपका गोल सेलेक्ट करना है, 30+ एग्जाम में से प्लस में जाइए और गेट सब्सक्रिप्शन में 12 या 24 महीने, और नीचे की तरफ आपको BHU 10 है जो कि आपको लगाना है। ई एम आई के थ्रू आप पे कर सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, वर्तिका शुक्ला डैश की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गई है। वर्तिका शुक्ला के बारे में आपको बताना है। तो ये था आज का आपका सेशन। मिलते हैं 8 बजे वाले सेशन में वापस से। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।